समय बड़ा दारुण है, संपूर्ण मानव जाति मझधार में है, लेकिन भगवान श्री कल्की ने जिनका हाथ पकड़ लिया है उनकी नैया तो किनारे लगेगी ही। भाग्यशाली है वो जिन्हें प्रभु ने अपना इंतजार करने वाला बना लिया। भगवान श्री कल्की की भक्ति का मार्ग अजर अमर वे सनातन मार्ग है, जहां कलियुग की आंधियां बुरी तरह मार खाकर समाप्त होंगी। भक्ति सूत्र में लिखा है कि अखंड नाम जप से ईश्वर की अनुभूति होती है, यह कीर्तन शीघ्र प्रकट होकर भक्तों को अपना अनुभव करा देता है। जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य के पैर तले से उखड़ जाते हैं, अर्थात वह लाडले बालक की तरह ईश्वर की गोद में खेलने लगता है। इसके विपरीत यदि भजन तो करे नहीं, भगवान पर वासनाओं की बौछार करने लगे, तो ऐसे मनुष्य को यह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। बन पड़े तो जितनी फुर्सत का समय हो भगवान श्री कल्की के महामंत्र की मालाओं में बीतना चाहिए और उसका फल तत्काल भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। यदि आपके हृदय में भगवान श्री कल्की की भक्ति का पुष्प खिल रहा है तो विश्वास जानिए आपके अनंत जन्मों के पुण्य उदित होने का समय आ गया है। यह देवी शक्तियों की अति विशिष्ट कृपा है कि आप भगवान श्री कल्की की पुकार में शामिल होकर उनके शीघ्र अवतरण का साधन बनने जा रहे हैं। त्रेता में बानरों की सेना के पूर्व जन्मों के उदित पुण्यों ने उन्हें श्री नारायण का सहयोगी बनाया। आज वही सुनहरा अवसर हम सभी के समक्ष है, तो आइए कुछ ऐसा अद्भुत कार्य भगवान श्री कल्की का कर जाए कि चारों युगों में नारायण हमें अपने साथ रख ले। जो तुम जग में पाना चाहो दर्शन सुंदर श्याम का, तो कलयुग में मन से कर लो सुमरिन कल्की नाम का। सत्संग साधना से सुख के सुमन खिलेंगे, कल्की आराधना से राधा कृष्ण मिलेंगे। भगवान श्री कल्की के प्रिय भक्तों, बारह कलाओं के अवतार भगवान श्री राम ने रावण को अपने हाथों से मारा। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के अवतार थे, रथ पर बैठ गए और अर्जुन से संहार कराया। लेकिन भगवान श्री कल्की 64 कलाओं यानी 64 शक्तियों के संपूर्ण निष्कलंक अवतार है। इस युग में भगवान कल्की के प्रकोप से बवंडर होंगे, तूफान आएंगे, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां एटम बम, हाइड्रोजन बम और रासायनिक अस्त्रों शस्त्रों आदि का प्रयोग करेंगी। देश के देश नष्ट हो जाएंगे, तब भी कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये सब भगवान श्री कल्की ने किया है। वास्तव में प्रलय कल्की भगवान का ही दूसरा रूप है, जो सिर्फ एक बहाने की ताक में खड़ा है। न जाने किस समय भगवान कल्की क्या कर दे। कलयुग के अंतिम चरण के प्रभाव से सारा संसार चौतरफा अंधकार से घिर गया है। किसी को भी समस्याओं को हल करने का स्थायी रास्ता नहीं सूझ रहा। कल्की मंडल को भी एक दीपक के जितनी ही रोशनी मिली है। इस समय भगवान श्री कल्की की वंदना भजन कीर्तन के अलावा उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में भजन पूजन सुमधुर संकीर्तन भी संभव नहीं हो पाता है। दशावतार श्री कल्की भगवान के भक्ति और प्रेम से भरपूर ये मधुर भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको जब भी समय मिले इन भजनों का आनंद लें। इससे मन को शांति मिलेगी, समस्याओं का समाधान होगा, क्लेश दूर होंगे और जीवन आनंदमय होगा। शूरवीर और विक्रांत है वह लोग जो भगवान कल्की का नाम जप रहे हैं। कल्की भगवान की भक्ति में जो भक्त निश्चय किए खड़े हैं, वे जमीन आसमान के खंभ हैं। प्रेम की प्रतिज्ञा को निभाना और उस पर कायम रहना ही भक्ति है। एक दान दी सहस्त्र दान पाए की उपमा के अनुसार एक हिस्से कल्की भगवान से प्रेम करके
हजारों हिस्से प्रेम के आप अधिकारी हो सकते हैं। कल्की का नाम जपने वालों को कल्की भगवान ने कहा है, अवतारों का सा तेज अवतारों के से जन्म मिलेंगे। भगवान के एक प्रेमी भाई को कल्की भगवान ने दिखाया है कि वह जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वह उन्हें जय श्री कल्की का एक लिखा हुआ पत्र दिखा देता है और कहता है कि यह सारे दुखों की एक ही दवा है। सफलता तो जीवन में हमें उसी दिन मिल गई थी जिस दिन कल्की भगवान का नाम हमें जपने के लिए मिला। अवतारों का सा तेज मिलता है, विश्वास बढ़ता है, कदम आगे बढ़ते हैं, इससे रुके हुए बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते हुए जो जीवन बीतता है उसकी रक्षा के लिए अमरीश की तरह सुदर्शन चक्र छूटने लगते हैं। कल्की भगवान का नाम बिना घबराए जो मजबूती से रटते रहेंगे उनकी जड़ें प्रभु पाताल से भी गहरी पहुंचा देंगे, क्योंकि उन्हें भक्त और गौएं प्यारी हैं, ब्राह्मण और धर्म प्यारा है। सुबह का सूरज उगने वाला बीती रात अंधियारी आने वाले हैं कल की स्वागत की कर तैयारी। बेखबर जाग जरा बेखबर जाग जरा दिन निकलने वाला है, अब तो बस कल्की अवतार आने वाला है, अब तो बस कल्की अवतार आने वाला है। पद्मापति जय रमापति।